किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं कि प्याज में कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से फूल निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये फूल कब निकलते हैं? ये फूल तब निकलते हैं जब प्याज के कंद का साइज बनना शुरू हो जाता है। प्याज के कंद का आकार बनता है तब जाके इसमें कहीं कहीं पर इस तरीके की समस्या आती है। तो अगर आपकी प्याज में भी इस तरीके से फूल निकल रहे हैं तो उत्पादन पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्याज में फूल बनते हैं, जैसे कि आप ये प्याज देख रहे हैं, इसमें अभी आप देख सकते हैं कि इसमें पाइप निकली हुई है और इसमें यहाँ पर फूल निकला हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस कंद का आकार छोटा रह जाएगा, ये कंद ठीक से नहीं बन पाएगा, इसका आकार काफ़ी छोटा रह जाएगा और उसी के साथ साथ इसकी गुणवत्ता भी ख़राब हो जाती है, काफ़ी समय तक आप इसको रख नहीं सकते हैं। तो प्याज में फूल क्यों निकलते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या कारण हैं, सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और चलिए जान लेते हैं प्याज के फूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कारण के बारे में कि आखिर प्याज के फूल क्यों निकलते हैं। देखिए, आप चाहे रवि के समय पर प्याज की खेती करें या खरीफ के समय पर प्याज की खेती करें, दोनों ही टाइम पर ये फूल निकल सकते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले कारण की अगर बात करें तो जैसे कि प्याज की खेती जो किसान भाई भी करते हैं, उनको पता ही होगा कि प्याज लगाने से पहले आपको नर्सरी लगाना होती है। नर्सरी लगाने के बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग खेत के अंदर करनी पड़ती है, तब जाके आप प्याज की खेती कर पाते हैं। तो अगर आपने नर्सरी लगाई है तो नर्सरी को आपको 40 से 45 या 50 दिन के अंदर अंदर उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देनी चाहिए। अगर आपकी प्याज की नर्सरी 2 महीने से ऊपर यानी 60 दिन से ऊपर की हो जाती है और तब आप उसके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से यह समस्या आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगी। तो यह पहला कारण है, इससे आपको बचना है और समय पर आपको प्याज की नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग करनी है। दूसरा कारण होता है कि आप अगर लो क्वालिटी का बीज यूज़ करते हैं या फिर कहीं किसी ऐसी जगह से बीज लाते हैं जहां पर आपको, जिस किसान को आप जानते नहीं हैं वहां से आप घर का बीज खरीदते हैं या फिर किसी लोकल कंपनी का बीज खरीदते हैं, तो वैसे में भी आपको इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि लोकल क्वालिटी वाले जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं कि आप जो ये प्याज देख रहे हैं, इस प्याज पर ये जो फूल आया है इस पर जो बीज बनेंगे वही बीज निकाल के वो आपको बेच देते हैं, जिससे प्याज की खेती करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि प्याज का बीज जो होता है उसका सीड अलग से लगाया जाता है और प्याज के बीज को कैसे घर पर आप अच्छी क्वालिटी का प्याज का बीज घर पर तैयार कर सकते हैं, उस पर हमने एक वीडियो दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में ऊपर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का बीज आप घर पर ही काफ़ी आसान तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आपको बीज अच्छे क्वालिटी का ख़रीदना है और लो क्वालिटी का नहीं लेना है। किसी किसान से भी ले रहे हैं तो अपने परिचय वाले किसान से लीजिए, आप उनके खेत में प्याज की क्वालिटी देख लीजिए कि कैसी है और उसमें फूल ज़्यादा मात्रा में तो नहीं निकलते हैं। तो किसान भाइयों, एक मुख्य कारण फूल निकलने का ये भी होता है कि जैसे आप प्याज खेत के अंदर लगाते हैं तो आपको ज़्यादा अगेती प्याज नहीं लगानी है। जैसे कि अगर आप दिसंबर वाली प्याज लगा रहे हैं, ठंड के मौसम वाली प्याज लगा रहे हैं, तो आपको दिसंबर 15 दिसंबर के बाद इसकी बुआई करनी चाहिए या फिर दिसंबर के महीने में कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा जल्दी बुआई कर देते हैं, ज़्यादा जल्दी रोप लगा देते हैं, यानी नवंबर अक्टूबर में ही इसकी रोप लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसमें फूल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको सही समय पर बुआई करना है, सही समय कौन सा है और किस तरीके से बुआई करना है उस पर भी हमने एक वीडियो शुरू से बनाया हुआ है, आप चाहे तो आई बटन में उसको भी देख सकते हैं। तो प्याज के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्याज की खेती के हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसको खोल कर आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दूसरा कारण यह है कि आप सही समय पर इसकी बुआई करें, चाहे खरीफ की करें या फिर रबी की करें, तो सही इसका जो सही समय है वो सही समय पर ही आपको प्याज को लगाना है ताकि उसमें इस तरीके की फ्लावरिंग की समस्या नहीं आए। अब बात कर लेते हैं चौथे कारण की। तो चौथा कारण ये होता है कि आप इसमें अगर यूरिया का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो यूरिया का उपयोग आपको इसमें शुरुआती अवस्था में करना चाहिए। जैसा कि प्याज जब छोटी अवस्था में रहती है, करीब 40 से 50 दिन
के पहले पहले की जो अवस्था होती है उसमें अगर आप इसमें यूरिया का उपयोग करते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन जब प्याज का कंद बनना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्याज का कंद बनना शुरू हो गया है, तो जब प्याज का कंद बनना शुरू हो जाता है उस समय अगर आप इसमें यूरिया का उपयोग कर देते हैं, अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग कर देते हैं, उसकी वजह से भी ये समस्या आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं पांचवें कारण की। पांचवा कारण ये होता है कि आपकी प्याज जब 80 से 90 दिन की हो जाती है, जब उसमें कंद इस तरीके से बन जाते हैं, तब आपको उसमें सिंचाई काफ़ी कम मात्रा में करनी है, ज़्यादा मात्रा में सिंचाई नहीं करनी है। ज़्यादा सिंचाई के कारण भी यह समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ बातें हैं, इनका आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है ताकि आपके प्याज की फसल में फ्लावरिंग की समस्या ना आए। और एक कारण मौसम भी होता है, अगर मौसम थोड़ा ख़राब होता है या फिर ज़्यादा बादल वगैरह होते हैं तो वैसी अवस्था में भी इसमें ये समस्या आती है। तो कारण तो कई सारे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सही समय का ट्रांसप्लांटिंग का जो सही समय है उस पर भी ध्यान देना होगा, खाद आपको कौन सी डालनी है, किस टाइम पर डालनी है, इसका भी ध्यान देना होगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कि इससे बचना कैसे है। अगर आपकी प्याज की फसल में इक्का दुक्का इस तरीके से फूल निकल आए हैं, जैसा कि आप हमारी प्याज देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा मात्रा में फूल आपको नहीं दिखेंगे, कहीं कहीं पर कुछ कुछ पौधों में ही फूल निकले हैं। तो आपको करना क्या है कि इनको इस तरीके से इनकी तुड़ाई कर देनी है। इस तरीके से अगर आप इसकी तुड़ाई कर देंगे तो प्याज का जो कंद है वो अपना आकार ले लेगा और आपको प्याज में ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपको इसकी तुड़ाई कर देनी है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरिया की अधिक मात्रा प्याज में हो जाने से भी इस तरीके की समस्या आती है, फूल निकलते हैं, तो लहसुन में क्या होता है कि यूरिया की अधिक मात्रा जब हो जाती है तब वो साइड से उसकी कलियाँ अंकुरित होना शुरू हो जाती है। उसी तरह प्याज में जब यूरिया की अधिक मात्रा होती है तो उसमें फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने यूरिया का उपयोग ज़्यादा मात्रा में कर दिया है और जिस टाइम पर कण बनते हैं उस समय पर अगर आपने भूल से यूरिया का उपयोग कर लिया है, तो यूरिया की मात्रा को कम करने के लिए हम इस पर एक स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पोटेशियम मैनेब्लेडियम का स्प्रे करना चाहिए, जिसको कि आप 50 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर आप प्याज पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आप प्याज में यूरिया की मात्रा को थोड़ा घटा सकते हैं, जिससे आपको इस तरीके की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके का आप कुछ कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप इस समस्या को नियंत्रण कर सकते हैं। बस यही इसका उपाय है, बाकी आप उससे ज़्यादा इसमें इसको रोक नहीं सकते हैं। अगर आपने प्याज लगा दी है, लोकल क्वालिटी का बीज लगा दिया है, या फिर आपकी प्याज की नर्सरी ज़्यादा समय की हो गई है और तब ट्रांसप्लांटिंग की है, तो आपको यह समस्या देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको इसकी तुड़ाई कर देना है, उसके ज़्यादा आप उसको कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको निकलने के बाद उसमें कुछ उपाय कर पाए। तो किसान भाई, यह थी जानकारी प्याज में फूल आने की। और कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि हमारे प्याज में फूल आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप उसकी तुड़ाई कर दीजिए, उसके अलावा आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हमारी प्याज की कन का साइज इस तरीके से बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा बताइए हमें कि अभी हमारी प्याज की फसल लगभग कैसी है, किस तरीके से है, और अभी हमें इसमें और क्या करना चाहिए। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाई भी आपकी कमेंट पढ़ के आपका जो नॉलेज है, जो आपका अनुभव है, वो प्रैक्टिकल में ले सके और अपनी प्याज की फसल का उत्पादन अच्छा ले सके। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।